So today we will start our new chapter, The Farmer's Barn. Open book page number 108. First of all, I will do the reading of the page. After completing the reading, I will do Urdu translation, okay? So, one fine morning in autumn, a farmer and his wife were strolling through the fields looking at the corn crop. "We have never had such a good harvest, dear," said the farmer happily. "There'll be plenty of corn for us and all our friends. In fact, there'll be enough left over to feed the birds through the long winter." "We'll give a party," suggested the farmer's wife. "In fact, my dear, I'll ask my cousins from all over the hills and far away." So coming to the Urdu translation, ab isme kya kehne hain? मौसम हज़ा में एक उम्दा सुबह को एक किसान और उसकी बीवी अनाज की फसल को देखते हुए खेतों में चहलकदमी कर रहे थे कि मौसम हज़ा के मौका पर एक सुबह क्या हुआ, किसान और उसकी बीवी क्या कर रहे थे, अनाज को देख के बहुत खुश हो रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे चहलकदमी कर रहे थे अपने अनाज को देख के। किसान ने खुशी से कहा, "अजीज़म, हमारी इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई। इस दफ़ा हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए काफ़ी अनाज होगा." दर हकीकत लंबे मौसम में सर्मा के दौरान परिंदों को खिलाने के लिए भी काफ़ी अनाज बच जाएगा। अब उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि इस दफ़ा उनकी बहुत अच्छी फसल हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने दोस्तों को भी अनाज देंगे और हमारे पास इतना अनाज जमा हो गया है कि हम परिंदों के लिए भी बचा के रख सकते हैं। किसान की बीवी ने तजवीज़ दी, "हम एक पार्टी दावत देंगे। दर हकीकत मेरे अजीज़, मैं अपने पहाड़ियों के पार और दूर दराज रहने वाले रिश्तेदारों कज़न्स को बुलाऊंगी। अब क्या हुआ, किसान की बीवी ने कहा इस खुशी में कि मैं अपने दोस्तों को और जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रिश्तेदार हैं उनको मैं दावत दूँगी इस खुशी के मौका पर। ओके क्लास, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। So the farmer and his wife sent out invitations. Then they got busy in the farmhouse kitchen and made lots of delicious things to eat. They set the food out in one of the fields in the shade of tree. अब उसमें क्या बता रहे हैं? चुनाचा किसान और उसकी बीवी ने दावतनामे भेज दिए। अब क्या था, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने दोस्तों को और दूर दराज के रिश्तेदार जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको वो दावत देंगे। फिर क्या किया उसने, वहाँ पे दावतनामे अपने कज़न्स और दोस्तों को भेज दिए। फिर वो फार्म हाउस के बावर्ची खाने में मसरूफ होगी। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जब उसने दावतनामे भेज दिए सबको दावत के, फिर वो किचन में अपने बावर्ची खाने में मसरूफ होगी और बहुत से लजीज खाने बनाए। उन्होंने अपने एक खेत के दरख्त की छाँव में खाना लगाया। अब क्या हुआ, किसान की बीवी ने बहुत लजीज खाने बनाए और उन्होंने अपने खेत के दरख्त की छाँव में खाना लगाया। नाउ दे सेट द फूड आउट इन वन ऑफ द फील्ड्स इन द शेड ऑफ ट्री। सून नेबर्स बिगिन टू अराइव एंड लास्ट ऑफ ऑल केम द कजन्स फ्राम ऑल ओवर द हिल्स एंड फार अवे। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग बिफोर एवरी वन टग इन टू अ लवली फूड एंड सीम टू बी हैविंग अ गुड टाइम। अब वो इसमें क्या कहनी है, थोड़ी देर बाद पड़ोसी आना शुरू हो गए, जिसको उसने दावत नामे भेजे थे वो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आना शुरू हो गए और सबसे आखिर में पहाड़ियों के पार वाले और दूर दराज के रिश्तेदार कज़न्स आए। जो उसके दूर दराज के रिश्तेदार थे जिसको उसने इनवाइट किया था वो थोड़ा देर से पहुंचे थे। थोड़ी देर में हर कोई लजीज खाने को बेचैनी से मज़े लेकर खाने लगा और बहुत अच्छा वक्त गुजारता हुआ दिखाई दिया। अब थोड़ी ही देर बाद उन्होंने क्या देखा कि सब बहुत खुश थे और सब क्या कर रहे थे, बहुत मज़े मज़े के खाने इंजॉय कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ओपन बुक पेज नंबर 109। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करूँगी। इट वॉज देन द फार्मर एंड हिज वाइफ नोटिस दैट द कज़न फ्राम ऑल ओवर द हिल एंड फार अवे लुक्ड अ बिट ग्लम। व्हाटएवर इज द मैटर, आस्क्ड द फार्मर। अब वो इसमें क्या कह रहे हैं,